मधुपुर थाना क्षेत्र के सेठविला सपाहा मोहल्ले में एक अज्ञात चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन शायद चोर को यह नहीं पता था कि वहां पर दो सीसीटीवी लगे हुए हैं। एक तो उसने वहां से हटा दिया, लेकिन उसकी वो तमाम करतूत जो है वो दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी और उसे पता भी नहीं चला। आखिरकार पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लगा, अब उसके आधार पर चोर को तलाश करने में जुटी हुई है पुलिस। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि जिस तरीके से दुमका जिले में चल रहे अवैध कोयला खदानों की शिकायत मिलने पर शिकारीपाड़ा के वन क्षेत्र में प्रशासन ने छापेमारी की। यहां से प्रशासन ने भारी मात्रा में कोयला बरामद किया। रिपोर्ट देखें। खदानों पर प्रशासन सख्त, कई खदानों की डोजरिंग, कई ट्रैक्टर कोयला जब्त, जंगल में हो रही थी कोयला चोरी, शिकारीपाड़ा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दुमका जिले में लगातार कोयला चोरी की मिल रही शिकायतों के बीच शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा, कल्याणपुर, लुटिया पहाड़ी इलाके में वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कोयला जब्त हुआ। बीच बीच में तो हम लोग करते ही रहते हैं और अभी हम लोग शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा एरिया में हम लोग हैं, जो वन क्षेत्र है और उसमें फॉरेस्ट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और दुमका पुलिस के तरफ से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने तत्संबंध एक योजना बनाई और इस पे कार्रवाई की जा रही है। जितने भी यहाँ अवैध खनन से संबंधित पिट है वो पिट भरा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी उसका नाम पता सामने नहीं आया है, लेकिन इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके उसका नाम पता जरूर सामने लाएंगे और उस पर फिर कार्रवाई भी। इंस्ट्रक्टर तभी मेरी जानकारी में हुआ है और बाकी जितने भी फंक्शनल खदान थे उनका डोजरिंग कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कुछ स्थानीय लोग भी आक्रोशित नजर आए। विरोध स्वरूप चुटका गाड़ कर ग्रामीणों ने विरोध किया। हालांकि इस विरोध का कोई खास असर प्रशासन की कार्रवाई पर नजर नहीं आया। शिकारीपाड़ा से न्यूज 11 भारत के लिए दिलदार अंसारी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।